चतुर्मुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अध्याय 3 श्लोक 6 अजोपि सन्न विरात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्न प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभावनाम्यत्मा मायया। अर्थात यद्यपि मैं अजन्मा और समस्त जीवों का स्वामी और अविनाशी प्रकृति का हूँ, तथापि मैं इस संसार में अपनी दिव्य शक्ति योग माया द्वारा प्रकट होता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, श्री कृष्ण भगवान ने पिछले श्लोक में अर्जुन से कहा था कि तुम्हारे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, परंतु तुम्हें याद नहीं और मुझे सब कुछ याद है। इस श्लोक में वे अपने जन्म के स्वरूप के बारे में और अपने अवतार का रहस्य और महत्व के बारे में बताते हैं। सामान्य मनुष्य तो अपने कर्मों का फल अपने दूसरे जन्म के लेकर के वो भुगतता है, मतलब जो दूसरा जन्म होता है वह उसके कर्मों का फल ही होता है। लेकिन भगवान के पास तो ऐसे कोई कर्म है ही नहीं जिससे कि उनका वो जन्म हो ले सके, इसलिए वे परमेश्वर हैं, ब्रह्मांड के स्वामी हैं। इन्होंने जन्म ही इसीलिए लिया है कि वह संसार का भला कर सकें, लोक कल्याण कर सकें। यहाँ भगवान ने अपने 3 गुणों का उल्लेख किया है कि उनका जन्म नहीं हुआ है, दूसरे वे शाश्वत हैं, मतलब वे कभी भी परमानेंट हैं, और तीसरा कि वे परमेश्वर हैं। इससे हम समझते हैं कि वे शाश्वत सत्ता हैं और ब्रह्मांड के स्वामी हैं। Although I am unborn, the Lord of all living entities and have an imperishable nature, yet I appear in this world by virtue of Yog Maya, my divine power. मां मालिक सभनी में वसे मुझो नूर, यमन ए मरण खां रहां लेक दूर, रहां पंहिंजे माया जे वसथो सदा, जनम मां बि पायां न धारियां न घारियां जुदा। जीअं त पाण पोए श्लोक में ॾिठोसीं त श्री कृष्ण भॻवान अर्जुन खे चवेसि थो त तुंहिंजा ऐं मुंहिंजा घणेई जन्म थी चुका आहिनि, तोखे कुझु बि यादि नाहे, पर मूंखे सभु कुझु यादि आहे। हिन श्लोक में हू पंहिंजे जनम जो स्वरूप ऐं उनजी अहमियत था ॿुधाइनि। चवनि था पाण खे जीअं त ॼाण आहे त इंसान जो जन्म पंहिंजे कर्मनि जो ई फल हूंदो आहे, पर भॻवान अहिड़ा कहिड़ा कर्म कया? भॻवान त कोई कर्म कोन कया, पर पोइ बि वरी हुननि जनम वरितो आहे त उनजो कारण आहे लोक कल्याण। हुननि जो स्वरूप आहे हू परमेश्वर आहिनि, हू ब्रह्मांड जा स्वामी आहिनि ऐं हू शाश्वत आहिनि, मतलब परमानेंट आहिनि। इन तरीक़े सां हुननि पंहिंजो स्वरूप ॿुधायो आहे, पंहिंजो निज रूप ॿुधायो आहे। इन रीति
अध्याय चौथे जे श्लोक छहे जो अर्थ पूर्ण थियो। सुभाणे ॾिसंदासीं श्लोक सतो ऐं अठो। तेसीं ताईं जय श्री कृष्ण।